please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बल ने यहां पर एक से दो आतंकियों को घेर रखा है। और ये जम्मू कश्मीर का पुलवामा है जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इस दौरान ये खबर है कि 102 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर रखा है और ये मुठभेड़ अब भी जारी है। रिफत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। रिफत, 102 आतंकियों को घेर रखा है, अभी की क्या सिचुएशन है वहां की? देखिए, खबर यही आ रही है कि आरिफल जलाल जो है ये साउथ कश्मीर में पड़ता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे पहले कॉर्डन किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और अभी एनकाउंटर शुरू हुआ, फायरिंग जारी है और 102 मिलिटेंट के छिपे होने की खबर बताई जा रही है और इस वक्त एनकाउंटर जारी है। आपको मालूम होगा कि हाल ही में जिस तरीके से SPO की किलिंग हुई है उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन जो हैं वहाँ पे तेज कर दिए, लेकिन ये जो इलाका है ये त्राल का इलाका है और इस वक्त वहाँ पे एनकाउंटर जारी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका। हरियाणा के फरीदाबाद में गोतस्करी के शक में एक आदमी की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित का दावा है कि 19 सितंबर की रात वो ऑफिस से घर लौट रहा था और इसी बीच वो एक गाय को रोटी खिलाने के लिए रास्ते में रुक गया। कुछ ही देर में दो लोग वहां पहुंचे और आरोप है कि खुद को गौरक्षक बताते हुए उन्होंने उस आदमी की पिटाई कर दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है। पेट्रोल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल में 10 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। डीजल के दामों में 3 दिन बाद इजाफा किया गया है। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.61 रुपए है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 73.97 रुपए है। निकट हमारी सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। निकट, आखिर 3 दिन बाद डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है, लोगों का क्या कहना है वहां पर, अगर आप बात कर पा रही हैं किसी से तो? बात 3 दिन बाद डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल के दाम जो 3 दिन तक थे वो 73.87 रुपए थे, वो आज 73.97 रुपए कर दी, यानी 10 पैसे की बढ़ोतरी आज डीजल के दामों में हुई है। लोगों से बात करने पर उनका एक ही कहना है कि लगातार इस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं उससे उनका पूरा बजट जो है हिल जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से सारी चीज़ें भी महंगी हो रही है। वो लोगों का कहना है कि हम बच्चों को लेने पहले स्कूटी से जाया करते थे, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि रोज़ाना पेट्रोल भरवाना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हम पेट्रोल और डीजल रोज़ाना नहीं भरवाते, अब स्कूटी घर पर रख के बच्चों को लेने जाते हैं। इस तरह की मुसीबतें हमें देखना पड़ रहा है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है। रोज़ाना इस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, हमारी जो जेब है वो बिल्कुल, मतलब जो पैसे जितने भी जो जो रोज़ाना हमारा बजट है वो हिल जाता है। ये जो कीमतों में जो आग लगी है हमारी जेबों को धुसा के रख दिया है, ये लोगों का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया निकट आपका। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने व्यापम केस के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरने की कोशिश की है। इस मामले में एक्सेल शीट में फेरबदल का आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने एक केस दर्ज करवाया था, जिस पर अपना बयान दर्ज कराने दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने वकील के साथ भोपाल की विशेष अदालत में पहुंचे। कांग्रेस की फिर से एक बार व्यापम को जिंदा करने की कोशिश है। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के साथ, कपिल सिब्बल के साथ और विवेक तनखा जो लॉयर हैं, जो वकील हैं कांग्रेस के, इन सबके साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश की अदालत में आए हैं। दिग्विजय सिंह ने व्यापम मामले की एक्सेल शीट में फेरबदल करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खिलाफ केस किया। साथ ही घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कई पुलिस अधिकारियों का नाम भी दिया। उन्होंने 27,000 पन्नों के दस्तावेज विशेष अदालत में पेश किए और कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेताओं के आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती को 2013 से जांच एजेंसियां बचा रही हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ये भी दावा किया कि मुख्यमंत्री इस घोटाले से जुड़े लोगों को बचाने में लगे हैं। हम जिंदा नहीं करना चाहते, व्यापम जीवित है। इस दौरान कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी थे, जिनकी कोर्ट के गेट पर खड़े पुलिस वालों के साथ बहस भी हुई। आवाज दबाओगे नहीं, आवाज दबाओगे पक्षपात करोगे बोलना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया और इसे चुनावी स्टंट करार दिया। जिस मामले को ये लेकर गए हैं उस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट तक मुंह की खा चुके हैं।
व्यापम घोटाला 2013 में सामने आया था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार शिवराज सरकार पर हमलावर रहा है। रूस के कालिनिनग्राद में रूसी सेना के बाल्टिक बेड़े ने एक सैनिक अभ्यास किया। बताया गया कि अभ्यास किसी भी हालात से निपटने में सेना की तैयारी को परखने के लिए किया गया, जिसमें रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया। इस दौरान वायुसेना के जवानों ने लड़ाकू विमान को बेहद कम वक्त में उड़ान भरने और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार करने का अभ्यास किया। जानकारी के मुताबिक रूसी लड़ाकू विमान रूसी वायु सीमा में घुस आए और किसी दुश्मन विमान को पहचानने और उसे मार गिराने का अभ्यास किया। इसके साथ ही दुश्मन पनडुब्बियों को निशाना बनाने और रात में लैंडिंग करने का भी अभ्यास किया, जिसके लिए दो लड़ाकू विमान आसमान में एक दूसरे के साथ अभ्यास करते नजर आए, जबकि एक दूसरे लड़ाकू विमान ने समंदर में दिख रहे एक निशाने पर मिसाइल दागकर उसे नष्ट करने का अभ्यास किया। बाल्टिक बेड़े के सैनिक अभ्यास में कुल 2000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। राम मंदिर निर्माण के लिए संतों की एक बैठक होगी। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा के लिए 5 अक्टूबर को दिल्ली में संतों की एक बैठक बुलाई। राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई असम की फिल्म विलेज रॉकस्टार को भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पेंट की एक दुकान में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद काबू पाया। बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन पर खड़े यात्रियों ने पटरी टूटी होने की जानकारी अधिकारियों को दी, इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। राजस्थान के पाली में एक शोभा यात्रा के दौरान अचानक मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मचने के बाद कुछ लोग तालाब में कूद गए। राजस्थान के जयपुर में एक हादसे के बाद सड़क किनारे लटकी बस से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि ड्राइवर को चोटें आई हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में बने बीजेपी के आधुनिक भवन का उद्घाटन किया। पटना में एक स्कूल के अंदर आग की लपटें उठने लगी। उस स्कूल की छात्रा के दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद से बंद पड़े स्कूल में आग किसने लगाई, इस बात का पता नहीं चल सका, लेकिन आग लगने के बाद आसपास के लोग वहां जुट गए। एक बच्चा आग लगने की घटना को अपने मोबाइल फोन के जरिए रिकॉर्ड करने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। आसपास के लोगों के मुताबिक इस स्कूल के प्रिंसिपल पर अपने ही स्कूल की छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप लगा, जिसके बाद से ही स्कूल बंद कर दिया गया। प्रिंसिपल एवं उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल में आग किसने लगाई इसका पता फिलहाल नहीं चल सका, लेकिन पुलिस का अनुमान है कि स्कूल के अंदर सबूत मिटाने के उद्देश्य से भी आग लगाई जा सकती है। वहीं आसपास के लोगों का अनुमान है कि स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के उद्देश्य से आग लगाई गई होगी,